हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुजीत एंड वेलकम टू एक स्मार्ट इंग्लिश स्टडी। आज मैं आप सबके लिए 12वीं क्लास का बिहार बोर्ड का इंग्लिश का पोएट्री का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो आप सभी बच्चे इसमें जुड़ जाइए और देखिए जो आप अपने अपने हिसाब से बनाइए, आपका क्या सही कितना आंसर सही होता है। और मैं सब दिन के जैसे आज भी कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले पेन और पेपर लेकर के बैठे, ताकि अपना मूल्यांकन खुद करके और इसका जो आपको सही होगा उसका हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो WH O'Donoghue के द्वारा लिखा गया है। तो देखते हैं बारी बारी से ऑब्जेक्टिव को, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द लाइन एंड द नाइटेंगल इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है, मैं आप लोग को पहले भी बता दिया हूँ, हर एक वीडियो में बताया हूँ कि पोएट्री को हर हाल में आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आप जो इस तरीका का जो क्वेश्चन आता है वो छूट नहीं पाए। तो ये लाइन उठा के पूछा है कि एंड द नाइटेंगल इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है ना ये कहाँ से लिया गया है। ए फायर हिम और टू अटम, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, एंटी नन ऑफ दिस। तो एक का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कहने की बात नहीं है, अभी जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। आगे देखिए क्या रहे, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम। अब ये भी देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें भी क्या किया हुआ है, तो इसमें भी लाइन उठा के और एक शब्द को हटा दिया है, ठीक है। तो ये माने हमें कभी जो इसमें याद रखना है, ये लय के साथ शुरू होता है, ठीक है। एंड द राइट एंगल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम, इसमें क्या भराएगा, जैसे ट्रॉल्स है, प्रेम्स, एंगल, एंगल, डिस्टेंस। तो फटाफट बताइए इसमें क्या हो जाएगा, दो का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो दो में भी जो करेक्ट आंसर भराएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, एंड द नाइट एंगल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल हो जाएगा, दो का सी होगा। तीन का देखिए, तीन नंबर में कह रहा है कि नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन इज फ्रॉम। अब ये भी पूछा है कि ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं एक व्यतीत करना है, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछी जाती है उसको आप लोगों के साथ शेयर करना। ये जरूरी नहीं है कि हर वीडियो में हर जितना क्वेश्चन रहता है वो आपको पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन किस टाइप का जो प्रश्न आता है ये मेरे मुझे बताने का मकसद है, ठीक है। चलिए चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, WH O'Donoghue वन द डैश प्राइज इन 1948। WH O'Donoghue को 1948 में कौन सा पुरस्कार मिला था, पुलिटजर प्राइज, मान बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, साहित्य अकादमी प्राइज, बताइए आप सब किसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चार का, फटाफट। चलिए चार का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए पुलिटजर प्राइज, इनको पुलिटजर प्राइज दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में 1948 ईस्वी में। फिर कह रहे हैं कि देखिए इस बार फिर से लाइन उठा के दिया है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, इसमें भी ज़्यादा हम टाइम नहीं व्यतीत करेंगे, ये लाइन उठा के दिया है। लाइन में देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या भराएगा, ऑप्शन में है डाई, प्लक, फ्रीज, SNH, ठीक है। चलिए डाई का भी चर्चा इस कविता में हो रखा है, प्लग का भी हो गया है, फ्रेज का भी है, SNH का नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी सी होगा, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रेज, क्या हो जाएगा, मस्ट फ्रेज लोनली ऑन द सेपरेटनेस, ठीक है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये एक कैसा, ये कैसा कविता है, एक लयात्मक कविता है, तो लास्ट में देखिए और इसमें आपको लास्ट में जो है लय मिलते जाएगा सबका, जैसे देखिए एक्टिव हैंड्स
मस्ट फ्रीज है ना, लोनली ऑन द सेपरेट नीज, फ्रीज नीज दोनों मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पांच का सी होगा। छ नंबर में देखिए, छ में कह रहा है इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, माने जो कविता के जो सेकेंड लाइन है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, उसमें जो है कह रहे हैं कि नर्स स्टैंड्स फॉर, माने नर्स के जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, नर्स क्या है, ए प्लांट, ए में प्लांट है, बी में ए फ्रूट, सी ए ट्री, डी में एंट्री, नन ऑफ दिस। तो फटाफट बताइए आप सब, ये छ का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो ये नर्स जो है, नर्स जो है क्या चीज़ है, मैंने इसमें से बताइए, फल है, पौधा है, पेड़ है, ठीक है। देखिए प्लांट माने पौधा होता है और ट्री माने पेड़ होता है, तो प्लांट जो होता है छोटा छोटा जो पौधा होता है, माने छोटा जो पौधा होता है तो उसको हम प्लांट बोलते हैं, और बड़ा जब ये हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम ट्री बोलते हैं। ओके, छ का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो छ का भी करेक्ट आंसर होगा ए ट्री होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। सात नंबर में देखिए कह रहा है इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्पियरिंग नेबर्स, ये विस्पियरिंग नेबर्स के बारे में कह रहा है, ये जो है स्टैंड फॉर, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, ए में है एजेंट्स ऑफ पंजाब, एजेंट्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एजेंट्स ऑफ सहारा, एजेंट्स ऑफ डेथ है, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक एजेंट ये हो, यहाँ पे इंडिया मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ पे क्या है एजेंट्स ऑफ डेथ है। तो बताइए सभी बच्चे जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सात का आंसर बताइए। चलिए सात का जो आंसर हो जाएगा वो होगा एजेंट्स ऑफ डेथ हो जाएगा, ठीक है ना, माने कि ये जो विस्पेरिंग नेबर्स का प्रयोग किया गया इसमें वो किसके लिए किया गया है, तो एजेंट्स ऑफ डेथ के लिए किया गया, ठीक है। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, आठ में कह रहा है कि ट्रॉल्स मैंसन्ड इन द पोएम, ठीक है, अभी इस तरीका से क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, फिर से कह रहे हैं कि ट्रॉल्स जो है इस पोएम में वो क्यों मेंशन किया, क्यों दिया गया है। देखिए नाउ द लिप्स आर डेयर्स फॉलिंग फास्ट आर मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स, तो ये जो है पौराणिक जो है माने रचनाएं हैं उसके बारे में कह रहा है कि जो ट्रॉल्स है वो किस कहाँ क्या चीज के लिए मेंशन किया हुआ है। तो ऑप्शन है ए स्कैंडिनेवियन, बी इंडियन, सी रशियन, डी एंटी नन ऑफ दिस। फटाफट बताइए यहाँ पे जो है ट्रॉल्स का मतलब क्या है इस पोएम में, ठीक है। चलिए तो आठ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए स्कैंडिनेवियन हो जाएगा। नौ नंबर में कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए डैश पोएम, ठीक है। अब ये कह रहा है ए पेसिमिस्टिक आशावादी, सॉरी निराशावादी ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, डी में है एंटी नन ऑफ दिस। नौ का बताइए फटाफट आंसर क्या हो जाएगा नौ का। चलिए नौ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी होगा ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, माने कि इसका मतलब हो गया आशावादी सह निराशावादी, ठीक है। आगे देखिए कह रहे दस नंबर में कह रहा है कि ऑर्डर वन द पुलिटिजर प्राइज इन ए डैश, अगर ध्यान से वीडियो अगर देखे हुईगा तो ऊपर में ही इसका आंसर अभी आपको दिया गया था कि डब्ल्यू एच ऑर्डन जी को पुलिटिजर प्राइज जो है कब मिला था, 1947, 1948, 1949, 1950। चलिए तो 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 1948 हो जाएगा। फिर कह रहे कि फोर ऑर्डन पोएट्री वाज डैश, ठीक है, ये जो ऑर्डन के जो पोएट्री है वो क्या किसके लिए जाना जाता है, ये कैसा है ए लाइट गेम, एन इंटरेस्टिंग गेम, ए सीरियस गेम, डी में है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी ए सीरियस गेम होगा। 12 नंबर में देखिए कह रहा है डब्ल्यू एच ऑर्डन वाज डैश, डब्ल्यू एच ऑर्डन जी क्या थे, ए पोएट, ए वर्स ड्रामाटिस्ट, ए सीरियस गेम, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, अभी सीरियस गेम के बारे में हाल ही में पढ़े हैं, तो चलिए तो ये तो होगा ही, और कुछ है क्या, चलिए तो ये जो डब्ल्यू एच ऑर्डन जी थे ये पोएट मैंने कवि भी थे, वर्स ड्रामाटिस्ट भी थे, ये सीरियस गेम, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा।
13 नंबर में देखिए कह रहा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डेयर्स, ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है, तो ऑप्शन में है ए लिरिक, एन ओड, ए सोनेट, एन एलिजी। अभी जस्ट हम ऊपर में चर्चा किए थे कि आप लोग को लाइन जो है मिल रहा है बहुत आसान है, कि जैसे सेपरेट निज था फ्रिज था, तो दोनों में जो है माने लाइन मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये जो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, ए लिरिक पोयम, ये क्या है, एक लयात्मक कविता है, ठीक है। 14 नंबर में देखिए कह रहे, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, कह रहे कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में जो है माने मानव जीवन के जो जन्मजातीय जो निराशा है वो क्या है, ठीक है, रिएक्ट करता है, इनेक्ट करता है, एक्सेप्ट, प्रोटेस्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी होगा, इनेक्ट होगा, ठीक है। 15 नंबर में देखिए, 15 में कह रहा है कि प्रेम्स आर देयर्स, ठीक है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, अगर कविता अगर आप पढ़े होइएगा तो इसका आंसर तुरंत दे दीजिएगा, क्या है, रनिंग है, स्टैंडिंग है, लेइंग है, रोलिंग है। प्रेम्स का मतलब होता है काठ गाड़ी जिसको कहते हैं, जो चार पहिए वाला जो गाड़ी होता है उसको हम प्रेम्स बोलते हैं, जो छोटे बच्चे के लिए जो बनाया जाता है जब उसको चलने नहीं आता, माने जब उसको माने उसको चलना सिखाने के लिए जो उसको उस तरीका से प्रेम्स गाड़ी बनाया जाता है, तो वो क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है, रोलिंग कर रहा है, इसका 15 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर से देखते हैं फटाफट, 16 नंबर में देखिए कह रहा है कि द ट्रेवलर्स आर वी बीइंग मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, ठीक है, ट्रेवलर्स आर वी माने कि एक यात्री के रूप में जो है हम लोग, ठीक है, कौन हम लोग में कौन मूविंग कर रहे हैं अवर डेथ में अपने डेथ की ओर के साथ। देखिए ह्यूमन, एनिमल, अर्बन, रूरल, सबसे पहला नंबर तो आपको अगर हिंदी अगर इंग्लिश की नहीं आती है तो पहले समझना चाहिए जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को कम से कम दो बार पढ़ें जो ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया एनिमल यू पहले सॉरी ए में है ह्यूमन, एनिमल, अर्बन, रूरल, तो एनिमल की चर्चा है ही नहीं, मान लीजिए कि हम अर्बन के बारे में नहीं जानते, रूरल के बारे में नहीं जानते, इसका आंसर जो करेक्ट होगा क्या होगा, ह्यूमन होगा, ये मानव जाति, ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है ना, उसका मतलब ही होता है मानव जाति, ठीक है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। एनिमल तो सभी बच्चे जानते होंगे, यानी जानवर हो गया, अर्बन मतलब शहरी होता है और रूरल माने क्या होता है, तो देहात के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, रूरल एरिया बोलते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेयर्स, ठीक है, कह रहे कि मानव का जीवन जो है किससे बेटर नहीं है, लाइफ, डेथ, जर्नी, एंटी, बताइए फटाफट 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डेथ होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि द लीव्स आर फॉलिंग डैश, ये भी बहुत आसान है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका ऑप्शन जैसे स्लो है, सुन है, फास्ट है, एंटी हो है, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। फिर कह रहे कि ट्रीज सेड देयर लिव्स इन डैश, ठीक है, ट्रीज जो है मैंने पेड़ पौधा जो अपने पत्तियों कब जो है मैंने पूरा मैंने छोड़ देते, कौन से मौसम में, कह रहे कि रेन, समर, विंटर, ऑटम, इसका करेक्ट आंसर बताइए, माने कि पेड़ पौधे से जो पत्तियां पूरा झड़ जाता है वो कौन सा मौसम होता है, ठीक है, रेन, समर, विंटर, ऑटम, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को सीजन का नाम पता होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ऑटम सीजन यानी पतझड़ ऋतु हो जाएगा, ठीक है। पतझड़ के मौसम में जो जाओगे तो देखो एक बसंत से पहले आता है, माने मार्च फरवरी मार्च से पहले का ये समय आता है जब ठंड खत्म होने को रहता है उस समय, ठीक है, उस समय सभी पत्तियां क्या होता है पेड़ से गिरने लगती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे हैं कि द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि गूंगा किसके बारे में चर्चा किया गया था, जो गूंगा हो गया है माने कि ऐसा पेड़ पौधा को जो पत्ती भी नहीं देखा है तो वो गूंगा हो चुका है, कौन है, हेन, स्पैरो, नाइटिंगेल,
डक। अब देखिए हेन के बारे में इस चैप्टर में चर्चा ही नहीं किया गया है, एस्पेरो के बारे में चर्चा ही नहीं किया गया है, ठीक है, डक के बारे में भी नहीं किया गया। तो इसका 20 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नाइटिंगेल हो जाएगा। 21 नंबर में देखिए कह रहे कि डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, ये भी लाइन उठा के दिया है। वाटरफॉल जो झरना होता है उसके बारे में कह रहा है, तो वो झरना कौन से कलर का, कलर के रंग के यहाँ दिया येलो, वाइट, रेड, ग्रे। 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, वाइट कलर का ये है, ठीक है, वाटरफॉल। 22 में कह रहे कि द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, ठीक है। अब ये कह रहे कि जो इसका ऑप्शन हो गया लिव्स, स्टोन्स, स्नोज, एंटी, मान कि जो यहाँ पे जो इस चैप्टर में माने किसका गिरना जो है बहुत तेजी से गिरना, ये मृत्यु का आगमन के बारे में कंपेयर किया गया, रेफर किया गया है, संदर्भित किया गया है, किससे तुलना करके जो जिस प्रकार से वो गिर जाती है तो उसी हिसाब से मानव का जीवन भी खत्म हो जाता है। लिप्स, स्टोन्स, स्नोज, देखिए लिप्स माने पत्तियों होता है, स्टोन्स माने पत्थरों होता है, स्नोज माने बर्फ होता है, और एंटी वन नन में कोई, तो स्टोन और स्नोज की कोई चर्चा ही नहीं है इस चैप्टर में, पत्थर और बर्फ की कोई चर्चा ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिप्स होगा, लिप्स माने पत्तियों, यानी कि जिस तरीका से पत्ती जो है माने बहुत तेजी से गिर रहा है उसी तरीका से मानव का भी जीवन क्या होता है, तेजी से खत्म होते जाता है, लेकिन मानव को पता नहीं चलता है कि हमारा जो है किस प्रकार जीवन खत्म हो रहा है, ठीक है। चलिए 23 नंबर में कह रहा है कि द डैश ऑफ डेथ इज विस्पियरिंग नेवर, अब ये कह रहे हैं कि जो माने मृत्यु का क्या है जो एक विस्पियरिंग नेवर्स के बारे में बता रहा है। मैं आप लोग को बताया भी था इससे पहले जो है ऊपर में पढ़े हुए विस्पियरिंग नेवर्स जो है यहाँ पे किसके लिए स्टैंड किया गया, किसके बदले में प्रयोग किया गया है, तो एजेंट्स ऑफ डेथ के लिए किया गया है, ठीक है ना, मृत्यु के जो एजेंट्स होते हैं उनके बारे में कहा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका ए मैसेंजर, बी फ्रेंड्स, सी इनेमिस, डी गॉड, फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, मैसेंजर, द मैसेंजर ऑफ डेथ इज द विस्पियरिंग नेवर्स, ये जो मृत्यु का जो मैसेंजर है, जो देव जो मैसेंजर माने उसको बोलते हैं, जो माने मैसेज लेकर के आते जाते उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए 24 नंबर में देखिए, 24 में कह रहा है कि नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज ए लाइन रिटेन बाय, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा भी पूछता है कि लाइन उठाकर दे देगा और ये लाइन पूछेगा, ये नहीं पूछेगा ये किस पार्ट से लिया, ये पूछेगा कि इस लाइन को किसने लिखा है, ठीक है। ऐसा प्रोज में भी होता है और ऐसा पोएट्री में भी होता है, ठीक है। तो पोएट्री में ज़्यादातर देखने को मिलेगा और प्रोज में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन मिलता है उसमें भी आपको लाइन उठा के दे देगा और ये पूछेगा मैंने कौन से चैप्टर से लिया गया, ओके। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था, अभी आप लोगों ने देखा था, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो है WH ओडन जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, WH ओडन, ठीक है। चलिए तो आज के लिए जो है इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।